पर मैं वेरिएबल्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम पर्ल में वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ Ubuntu Linux 12.04 ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्ल 5.14.2 जो है पर्ल रिवीजन 5 वर्जन 14 और सब वर्जन 2। मैं gedit टेक्स्ट एडिटर का भी इस्तेमाल करूँगा। आप अपने पसंद के किसी भी टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्ल में वेरिएबल्स वेरिएबल्स का इस्तेमाल वैल्यूज को जमा करने के लिए करते हैं, जैसे टेक्स्ट, स्ट्रिंग्स, नंबर्स या अरेज। एक बार वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है तो इसका इस्तेमाल स्क्रिप्ट में बार बार किया जा सकता है। स्केलर सिंगल वैल्यू की नुमाइंदगी करता है और सिर्फ स्केलर्स जमा करता है। स्केलर वेरिएबल्स डॉलर सिंबल का इस्तेमाल करते हुए डिक्लेयर किए जाते हैं। अब वेरिएबल का डिक्लेरेशन देखते हैं। वेरिएबल मंदरजैल किस्म से डिक्लेयर किया जा सकता है, डॉलर प्रायोरिटी सेमीकोलन। पर्ल में वेरिएबल का नाम कई फॉर्मेट्स में हो सकता है। वेरिएबल्स हरूफ या अंडरस्कोर के साथ शुरू होते हैं और लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर या मंदरजबाला तीनों का मरकब हो सकता है। कैपिटल यानी बड़े हरूफ के साथ डिक्लेयर होने वाले वेरिएबल्स का पर्ल में मखसूस माने होता है, लिहाजा बड़े हरूफ का इस्तेमाल करते हुए वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने से बचें। अब टर्मिनल खोलें और टाइप करें gedit variables.pl ampersand। ampersand टर्मिनल पर कमांड प्रॉम्प्ट अनलॉक होगा। अब एंटर दबाएं। ये gedit टेक्स्ट एडिटर में variables.pl फाइल खोलेगा। .pl पर्ल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। फाइल में मंदरजैल टाइप करें, डॉलर प्रायोरिटी सेमीकोलन और एंटर दबाएं। इस तरह हमने वेरिएबल प्रायोरिटी डिक्लेयर किया है। आपको इसके इस्तेमाल के पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसका इस्तेमाल अपने कोड में कर सकते हैं। अब वेरिएबल प्रायोरिटी को न्यूमेरिकल यानी अददी वैल्यू मंसूब करें। इसके लिए टाइप करें, डॉलर प्रायोरिटी स्पेस इक्वल टू स्पेस 1 सेमीकोलन और एंटर दबाएं। आगे टाइप करें, प्रिंट स्पेस डबल कोट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कोलन डॉलर प्रायोरिटी स्लैश n डबल कोट सेमीकोलन और एंटर दबाएं। स्लैश n न्यू लाइन कैरेक्टर है। अब वेरिएबल्स डॉट pl के तौर पर फाइल किसी भी जगह सेव करें। मेरे केस में ये होम स्लैश अमोल डायरेक्टरी में सेव होगी। अब इस फाइल को सेव करें। अब variables.pl फाइल की परमिशंस को तब्दील करें जो हमने अभी बनाई है। ऐसा करने के लिए टर्मिनल पर टाइप करें chmod 755 variables.pl। ये फाइल रीड, राइट और एग्जीक्यूट के हुकूक फराहम करता है। टर्मिनल पर इस पर्ल स्क्रिप्ट को कंपाइल करने के लिए टाइप करें पर्ल हाइफन सी वेरिएबल्स डॉट पी एल। हाइफन सी स्विच किसी भी कंपाइलेशन सिंटैक्स एरर के लिए पर्ल स्क्रिप्ट को कंपाइल करता है। अब एंटर दबाएं। ये हमें बताता है कि यहाँ हमारी पर्ल स्क्रिप्ट में सिंटैक्स एरर नहीं है। अब पर्ल वेरिएबल्स डॉट पी एल टाइप करके पर्ल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करें और एंटर दबाएं। जाहिर आउटपुट नुमाया होता है। हम वेरिएबल जिसे हमने डिक्लेयर किया है इसे स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर विंडो पर वापस जाएं। डॉलर प्रायोरिटी इक्वल टू 1 के बजाय टाइप करें डॉलर प्रायोरिटी इक्वल टू सिंगल कोट में हाई। नोट करें, असाइनमेंट्स दाएं से बाएं जांच किए जाते हैं। स्केलर किसी भी किस्म का डेटा रख सकता है। ये स्ट्रिंग नंबर होना चाहिए। फाइल सेव करें और पर्ल हाइफन सी वेरिएबल्स डॉट पी एल टाइप करके एक बार फिर से स्क्रिप्ट को कंपाइल करें। अब एंटर दबाएं। ये हमें बताता है कि यहाँ कोई सिंटैक्स एरर नहीं है।
perlvariables.pl टाइप करके स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करें और एंटर दबाएं। आउटपुट दिखाया गया है। अब टेक्स्ट एडिटर विंडो पर वापस जाएं। आप डबल कोटेड स्ट्रिंग्स के अंदर स्केलर्स इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल कोट स्ट्रिंग में डॉलर प्रायोरिटी। इस फाइल को सेव करें और बंद करें। अब हम सीखते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करें। ऐसा करने के लिए टेक्स्ट एडिटर में नई फाइल खोलें। टर्मिनल पर टाइप करें gedit multivar.pl & और एंटर दबाएं। ये टेक्स्ट एडिटर में multivar.pl फाइल खोलेगा। टाइप करें $firstVar, $secondVar, और एंटर दबाएं। वेरिएबल $firstVar से $secondVar में वैल्यू कॉपी करने के लिए टाइप करें $firstVar $secondVar, और एंटर दबाएं। तमाम मैथमेटिकल यानी रियाजियाती ऑपरेटर्स जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को इन वेरिएबल्स पर किया जा सकता है। देखते हैं कि हम इसे पर्ल का इस्तेमाल करते हुए किस तरह करते हैं। टेक्स्ट एडिटर पर जाएं और अब $firstVar = $secondVar = 10 टाइप करके इन दोनों वेरिएबल्स को वैल्यू 10 दें और एंटर दबाएं। अब इन वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए टाइप करें प्रिंट डबल कोट $firstVar: $firstVar एंड $secondVar: $secondVar \n क्लोज डबल कोट सेमीकोलन और एंटर दबाएं। अब इस फाइल को सेव करें। अब दो वेरिएबल्स के वैल्यूज जोड़ें। इसके लिए $addition = $firstVar + $secondVar; और एंटर दबाएं। नोट करें, हमने वेरिएबल एडिशन को डिक्लेयर नहीं किया है। एक बार फिर वेरिएबल एडिशन की वैल्यू प्रिंट करने के लिए टाइप करें प्रिंट डबल कोट $addition = $addition/n क्लोज डबल कोट्स सेमीकोलन। इस फाइल को सेव करें। इस फाइल को फिर से कंपाइल करने के लिए टर्मिनल पर perl-c multivar.pl टाइप करें। यहां कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, लिहाजा हम perl-multivar.pl टाइप करके स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये नुमाया आउटपुट फराहम करेगा। इस तरह सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की मशक करें। मैंने यहां कोड लिखा है। अब इस फाइल को सेव करें और बंद करें। अब perl-c multivar.pl टाइप करके फाइल कंपाइल करें। यहां कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, लिहाजा हम perl-multivar.pl के तौर पर स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन पर आउटपुट इस तरह नजर आएगा। ये हमें इस ट्यूटोरियल के आखिर में लाता है। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा पर्ल में स्केलर वेरिएबल्स डिक्लेयर और इस्तेमाल करना। एक मशक, नंबर वेरिएबल को डिक्लेयर करें, इसे 10 की वैल्यू मंसूब करें, डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल को प्रिंट करें, स्ट्रिंग टू वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें, इनको नमस्ते और इंडिया वैल्यूज दें, इन दो वेरिएबल्स को एक के बाद एक प्रिंट करें। मंदरजा ज़ैल लिंक पर दस्तियाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं।
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स भी चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए बराए मेहरबानी contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे हुकूमत हिंद के MHRD के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की तरफ से हिमायत हासिल है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज ज़ेल लिंक पर दस्तियाब हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने पर्ल के इस ट्यूटोरियल का लुत्फ लिया होगा। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।